कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है और झुमकी बहन की तरफ से जोहार। किसान भाइयों, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जयाश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन के लिए कई तरह की योजनाएं की जा रही है संचालित। प्रति भूमि में खेती करने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए बिरसा सोयाबीन एक। अब समाचार विस्तार से। सरकार खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें श्री विधि से धान फसल लगाने की जरूरत है। किसान भाई समय पर खेतों के मिट्टी की जांच कराएं, साथ ही बीजोपचार करें और जैविक खेती अपनाएं। RKBY योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए प्रति भूमि की योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रोत्साहन एवं अनुदान की राशि दे है। प्रति भूमि में खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि 4,000 रूपए प्रति हेक्टर दे होगी। योजना का लाभ लेने के लिए कृषक भाई प्रखंड कृषि पदाधिकारी या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक गुमला के कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ की सलाह है कि किसान श्री विधि से धान की खेती करें, क्योंकि इसमें लागत कम आती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, इसकी बुआई कतारों में होती है, इसमें कोनोवीडर यंत्र से खरपतवार कुछ ही घंटों में निकाला जाता है, खरपतवार बाहर न फेंककर मिट्टी में ही दबा दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। किसान भाइयों, धान की खेती आप कई विधियों से कर सकते हैं, लेकिन श्री विधि से धान की खेती करने से लागत में कमी आती है और मिट्टी की उपजाऊ होती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि श्री विधि से धान की खेती करने पर खरपतवार कोनोवीडर यंत्र से निकाला जा सकता है। कोनोवीडर खरपतवार को बाहर न फेंककर मिट्टी में ही दबा देता है, जो खाद में स्वतः परिवर्तित हो जाता है। परंपरागत ढंग से खेती कर रहा है तो किसान भाई निकौनी करते हैं, निकौनी में बहुत ज़्यादा लेबर का खर्च आता है, जबकि अगर श्री विधि द्वारा कर रहे हैं तो एक कोनोवीडर एक मजदूर भी आसानी से खेत में चला सकता है, तो उसमें लेबर की मात्रा में कमी आती है तथा खरपतवार नाशी की मात्रा में किसान भाइयों को कमी आती है। और साथ में जैसा कि मैंने बताया, खरपतवार नाशी को हम निकाल के निकौनी द्वारा फेंक देते हैं, जबकि इसमें हम पौधे खरपतवार को खेत में ही दबा देते हैं, जिससे कि भूमि की उत्पादकता बढ़ती है और जो भी हम फसल ले रहे हैं उसको पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है और उनका उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है। किसान भाई, सोयाबीन की बुआई में 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज के लिए बिरसा सोयाबीन 1 JS 335 एवं बिरसा सफेद सोयाबीन 2 लगा सकते हैं। पानी की अच्छी निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 6.5 या अधिक हो, सोयाबीन की खेती के लिए उत्तम है। पठारी अम्लीय भूमि से मिट्टी परीक्षण के अनुसार चूना 3-4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बोने के समय ही नालियों में डाल दें। बीज में 2.5 से 3 ग्राम थीरम या कैप्टान अथवा कार्बन डाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिला दें।
ऐसा करने से बीज से आने वाली बीमारियां नष्ट हो जाती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2850 रुपए, चावल उत्तम 3200 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2600 रुपए, चना 6400 रुपए से 7000 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 13000 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल चना 7400 रुपए से 8000 रुपए, सरसों तेल 10000 रुपए से 11500 रुपए, चीनी 3800 रुपए से 3900 रुपए, आलू 1250 रुपए से 1450 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको जानकारी मिली मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त चला है एक छोटे से विराम का, तो विराम के बाद तुरंत हाजिर होइएगा, कहीं जाइएगा नहीं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। आज हम एक ऐसी ही महिला की के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है रोपनी देवी, जो रामगढ़ जिले की हैं। और जानते हैं किसान भाइयों, ये अपने परिवार को नशा मुक्त कराया है, साथ ही अपने गांव को भी नशा मुक्त कराया है और कृषि के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तरह तरह के
तरह तरह की खेती कर रही हैं और साथ ही खुद तो कर ही रही हैं, अपने गांव के लोगों को भी जोड़कर कृषि कर रही हैं और आज इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हुई है। तो चलिए किसान भाइयों, हम लोग चलते हैं और इनके जीवन में किस तरह से ये कठिनाइयों का सामना की, किस तरह से खेती कर रही हैं, तो चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से देखते हैं और लाभ उठाते हैं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। कुछ ऐसे ही हौसले का परिचय दिया है रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के किसानों ने। इन्होंने कृषि के माध्यम से न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ की है बल्कि अपनी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को भी पूरी तरह बदल दी है। पहले यहाँ के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि गुजर बसर के लिए यहाँ वहां मजदूरी किया करते थे। महिला और पुरुष जंगल से लकड़ियां चुना करते थे, परंतु बदलते वक्त के साथ कृषि कार्य में जुटकर इन किसानों ने अपनी स्थिति को बदल दी है। इनकी स्थिति तब बदली जब गोला में मार्केट की व्यवस्था हुई, तभी यहाँ के किसानों ने सब्जी की खेती शुरू की और मुख्य रूप से परवल की खेती कर अपनी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को बदल दी। यहाँ के किसान ठाकुरदास बेदिया बताते हैं कि जब वो 2.5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब से उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ा, गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाए। उनकी माँ जंगल से जंगली उत्पाद लाकर बेचा करती और उससे गुजारा होता था। हमारे बाबूजी बचपन थे, हमारा 2.5 साल जन्म हुआ था, उस समय हमारा बाबूजी मर गया। मरने के बाद हमारे जो चाचा था वो हमारी माँ को कुछ नहीं देने लगा, जगह जमीन भी सब वो अपना हड़प लिया और धीरे धीरे हमारा मतलब माँ को भगाने के मतलब कोशिश लगाया। हम लोग 2 भाई बहन हैं, एक बहन और हम बस। उसका 3 महीने जन्म हुआ था और मेरा 2.5 साल हुआ था और मेरा बाबूजी डेथ कर गया। और एक मेरा बड़ा भाई था वो भी और मेरा बाबूजी भी मतलब सांझ बयान में शाम सुबह मतलब दोनों खत्म हो गया। कोई बीमारी था महामारी उस समय मतलब ऐसे मर गया। उसके बाद धीरे 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 हमारे माँ को मतलब बहुत मतलब शासन देने लगा हमारे चाचा ने। देते 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 बहुत दिन बीत गया तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ गए तब मेरा यही हुआ कि बचपन से मेरा थोड़ा बुद्धि दिमाग होने लगा। तो हमारी माँ जब जैसे जैसे हुआ तो बोला कि पढ़ाएंगे तुमको, पढ़ाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है पढ़ाएगा तो हमको कम से कम खाने पीने का कपड़ा उपड़ा होना चाहिए ना, किताब कॉपी। तो कुछ व्यवस्था उस समय नहीं कर पा रहे थे और काम करने का तो कहीं मिलता ही नहीं था और छोटा बच्चा था हम लोग, जैसे हमारा बहन भी छोटी थी तो कहाँ काम करने जाएगी। इसलिए वो क्या करते थे, उसको लेकर के मौना साग अब जंगल में हमको एक मिलता है और एक डूमर और एक तीता साग हम लोग को बहिया में मिलता है, यही सब ले जाके इधर सरला कुम्हर देगा हर जगह मतलब गाँव में बेच बेच के और मकई ला रहे थे। और वही मकई मिलता था उस समय, दूसरा कुछ नहीं सिर्फ मकई और थोड़ा बहुत कहीं कहीं धान देता था तो उसी में हम लोग गुजारा कर लेते थे। पहले इनके खेत में धान अधिक नहीं हो पाता था, उसकी उपज इतनी कम थी कि 2 महीने का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था, परंतु हाइब्रिड धान की खेती से अब 6 से 7 महीने का गुजारा हो जाता है। उस समय मतलब दिक्कत यही था, देहात का सब धान था, वो धान उतना उपजाऊ नहीं होता था, गाछ बन जाता था लेकिन धान ज्यादा नहीं हो पाता था। और जो जैसे जैसे अब हाइब्रिड जो आ गया, धीरे धीरे उसी खेत में हमारा 2 महीना गुजारा चलता था उस खेत से, और अभी कहने के सब 6-7 महीना 8 महीना का गुजारा मतलब उसी खेत में हो रहा है। तो अभी मान लीजिए 6 महीने 7 महीने का हमारा उसमें आ रहा है और इधर खेती बाड़ी भी जो कर रहे हैं इसमें फिर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। इन्होंने सब्जी की खेती की तरफ तब रुख किया जब गोला में बाजार की व्यवस्था हुई, तब इन्होंने अपने खेत में बैगन और सेम की खेती करनी शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे अपनी खेती को बढ़ाने लगे। हाँ, सब्जी करना चाहिए, जैसे हम लोग को मार्केट चालू हो गया। अब जैसे जैसे मार्केट चालू हुआ तो हम लोग उस समय सीमी लगा रहे थे और बैंगन एक तो बंगाल से ही लाए थे, वो बैंगन को हम लोग पूरा गांव में लगा दिए, पूरे गांव में, और बहुत काफी उस समय बैंगन निकलता था और बहुत फल, एक पेड़ में कम से कम 50-100 वो फल रहता था बराबर। इस तरह मतलब हम लोग करते गए धीरे धीरे, वो बैंगन और सीमी का ज्यादा करके उपजाऊ यहाँ होता था। उसी करते करते मतलब टमाटर होने लगा, टमाटर होने के बाद आलू का साग हम लोग दूसरे गांव से ले आके खाते थे, लेकिन बाद में हम लोग आलू भी लगाने लगे, कद्दू लगाने लगे, मतलब तरह तरह की खेती मतलब धीरे धीरे करते लगे। तब 1987 में जलधारा योजना के तहत इन्होंने कुआं खुदवाया और उसके बाद इनकी खेती को नया आयाम मिला। हमारा योजना में नरेगा में क्या बोलते थे, जलधारा में उस समय कुआं दे रहे थे तो हम लोग को 8 आदमी के 12 आदमी को हम लोग कुआं मिल गया। हम लोग उसमें खुदवाई किए मतलब 87 में हम कुआं एक तो खुदवा लिए, उसमें करीब करीब हम लोग 8 कुआं एक साथ अति कर लिए, कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोग का किए उसी समय एक बारी में देखे कोबी लगा दिए,
उस समय कोई दवा दारू नहीं, कोई सर सल्फेट भी नहीं, ऐसी लगा देते थे। बहुत बड़ा बड़ा मतलब फूल भी आता था, तो हम लगा दिए साला कुआं कोड़ के, साला इतना बड़ा बड़ा फूल हुआ कि हम धोने नहीं सके, इतना बड़ा मतलब अथी होने लगा। आज वो सब्जी में मुख्य रूप से परवल की खेती कर रहे हैं। इसकी खेती से इन्हें काफी लाभ हो रहा है तथा इनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वैज्ञानिक लोग आता है, मतलब जैसे हमारा प्रधान वाला जो बताए, और वही भाई हम लोग को ये पटल का बीजा ला दिए कि भाई ऐसे ऐसे आप लोगों को हम पटल का भी आप लोग खेती कर रहे हैं। हाँ, अभी पटल का खेती, अभी हम लोग पटल का खेती पहले से हो रहा था ना है, आज 3 साल से हो रहा है। शुरुआत कौन किया, आप ही लोग किया? हाँ, हमें लोग किया है, इसमें हम लोग 5-6 आदमी है पटल का शुरुआत करने वाला। तो पटल का खेती कैसा रहा? अच्छा है, अभी 1 साल लगा दिए, अभी 3 साल तक अभी हमारा यहाँ चलते आ रहा है। और अभी कितना दिन रहेगा तो खैर भगवान ही जाने, हम लोग तो अभी नहीं कह सकते हैं कि कितना दिन रहेगा नहीं रहेगा। कितना निकाले होंगे इसे, कितना पैसा? इसमें तो देख रहे हैं कि एक फल में अभी जो हम बेचे अभी 5,000 का बेच दिए, और अभी फिर दूसरा फल मतलब शुरू हो गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि फिर हमको 500-600 रुपया फिर मतलब शुरुआत तोड़े हैं, फिर 500 रुपया मतलब एक दिन में हुआ है। अब फिर देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वर्षा नहीं किया इसलिए, नहीं तो अभी तक कम से कम मतलब 50-60 किलो निकलता। ठाकुरदास गरीबी के कारण खुद तो नहीं पढ़ पाए, परंतु खेती के बदौलत आज वो इतने संपन्न हो गए हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को ITI कराया है, जो अभी BA की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया है खेती की वजह से। और क्या बोले हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप किसी तरह मतलब अपना अथी करो, और आप तो लड़का को पढ़ाई लिखाई पूरा करेंगे, उसके बाद अपना शादी उदी देंगे, और नहीं तो हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि किसी तरह कहीं सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो अच्छा बात है, यही चक्कर में अभी हैं। तो अब देख रहे हैं कि अगर नहीं BA में नहीं होगा तो हम मतलब क्या बोलते हैं MA तक कराने का कोशिश में हम क्षमता रख रहे हैं। जहाँ तक पढ़ेगा वहाँ पढ़ेगा, हाँ ये विचार है मेरा, उसके बाद ही हम शादी उदी करेंगे, और होगा तो कहीं सरकारी नौकरी अगर कहीं मिल जाएगा तो अच्छा बात है, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन किसान नहीं बनाना है? किसान तो बनाएंगे, लेकिन पढ़ाई होने के बाद ही इसको बनाएंगे। नहीं तो बोल रहे हैं कि पढ़ाई करेगा करेगा, साथ में खेती बाड़ी भी देखेगा। खेती बाड़ी तो खैर कर रहा है, जब घर में रहता है उसी का ये सब किया हुआ है। हम ज्यादा मेहनत नहीं किए, मेहनत मेरा लड़का ही किया है, और अभी भी देख रहे हैं वही आता है घर तो मेहनत कर रहा बेटा दोनों मिलकर लगा हुआ है। हाँ, दोनों माँ बेटा ही करता है। हमको तो यही है कि हम मार्केट उर्केट जाते हैं या कहीं चल जाते हैं तो हमारा तो मतलब वही गायब रह जाते हैं दिन में इधर उधर, लेकिन दोनों माँ बेटा ये लोग अपना काम करते रहते हैं। ठाकुरदास की पत्नी रोपनी देवी बताती हैं कि पहले वो जंगल से लकड़ियां चुना करती थी, परंतु अब वो खेती में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि उन्हें अब लकड़ी चुनने एवं बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले नहीं रहे गए थे, नहीं खेतिया नहीं रहे, जैसे गोला कर मार्केट आला है ना तो पहले खेती करे शुरू कर लाई। अच्छा, आगू तो हम इन काठी बेच लियो, जखन हम इनके आनला नहीं तखन हम इन सब काठी बेच लाई, लकड़ी हाँ लकड़ी बेचला है तखन, और अखन तो खेती करे लगला है तो अखन नहीं बेचे जा पा रही हो, अखन जोरे लाइ आने लाइ नहीं जा पा रही हो, अखन खेती के बढ़ाला। ओकर बाद फिर पानी कर व्यवस्था वास्ते का होला? ए जे कुआं डाड़ी कोड़ला है तो ए कुआं ही अखन पटाई रहला है। कुआं अपन पैसा से कोड़ला की सरकार के कोई योजना मिला? नहीं, योजना से मिलला है हमको कुआं। कब मिलला? दो हजार बारह में कोड़ला है कुआं। तो कुआं से फिर खेती में फायदा होला? फायदा तो है रहला है अखन, और चलते तो अखन काठी जोड़ी बेचारा बंद कर देला है। अच्छा, मतलब कुआं हो जाए से खेती बाढ़ लग सब्जी का, उससे फिर लकड़ी बेचना बंद? अखन जोरे लय आने लय नहीं पा रही है अखन काठी, इतना भी फुर्सत नहीं मिल रहा है अखन, नहीं फुर्सत है रहला है अखन खेती से, फुर्सत नहीं है? नहीं। अच्छा, ये कुआं से कितना जमीन पटत है? एक दो एकड़ पटे। कुआं नहीं रहे से तो ऐसे ही पड़ती? तो पड़ती रहे गोटे है, और चलते तो काठी जोड़ी बेचा है ले। रोपनी देवी खेती से न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी हैं। ये लोगों को खेती की नई तकनीक का परामर्श भी देती हैं। तो जब बोले कि पटल का खेती करिए तो आप लोग क्या बोले, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, देखते हैं इसमें क्या नफा हो रहा है क्या घाटा हो रहा है। तो नफा तो बहुत ही अच्छा है, 1 साल लगाइए और तोड़ते रहिए उसको, 3-4 साल रखिए, तो देखते हैं कि इसमें लागत कम है और फसल तोड़ते रहिए। कुछ इसी तरह का आलम था यहाँ के किसान किशन बेदिया का भी। वो भी पहले जंगल से लकड़ियाँ चुना करते थे तथा गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए। मेरा नाम किशन बेदिया,
अच्छा विद्या जी, ये बताइए कि यहाँ पे खेती वेती का व्यवस्था पहले कैसा था, रोजगार का साधन पहले, चूंकि आप पुराने आदमी हैं। हाँ, मेरा तो अभी 50-60 साल हो रहा है, लेकिन बात आई कि उधर बाबूजी सब हम मेरे थे उस समय लकड़ी बेचते थे, और लकड़ी बेचने से बेचते बेचते यहाँ पर हार कढ़ा ये सब बनाते थे और बेचते थे, तो बेचते थे तो उसमें बहुत कम गुजारे, हम लोग का खाने का बहुत व्यवस्था, मकई को कूटते थे, घोड़ा धान को कूटते थे, ये महुआ का उसका लाठा बनाते थे, और वन जंगल में पीपल ये जैसे केवंद प्यार यही सब में गुजार करते थे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग से फिर बच्चा लोग तैयार हुआ, बच्चा लोग को भी पढ़ाने लिखाने, हम लोग तो एकदम ही नहीं पढ़े उस समय, ताकि स्कूल का भी व्यवस्था नहीं, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम लोग, पेड़ के नीचे जब पढ़ते थे तो एक दो क्लास पढ़े हमने, तो कुछ कुछ जब हम लोग का बच्चा भी हुआ तो उन लोग को थोड़ा थोड़ा 5-6 क्लास पढ़ा दिए, वह दूसरा डिमरा तरफ सुनडिमरा तरफ वहाँ स्कूल खुल गया, और वहाँ स्कूल खुला तो जाने आने में हम लोग को करीब करीब 4 माल यहाँ से, पहले कोई साधन नहीं था यहाँ। परंतु विगत 10 सालों से खेती के माध्यम से इतना हो जाता है कि खाने पीने की व्यवस्था आराम से हो जाती है। आज किशन बेदिया केवीके के अधिकारियों के माध्यम से अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। कैसे है कि यहाँ पर मैंने खेती होने लगा, और ये संस्था वाले आ गए, जैसे प्रधान ही सब, प्रधान वाले सब आ गए। हाँ, प्रधान ही सब आया तो बोला कि बिलौती का खेती कीजिए, बैंगन का खेती कीजिए, आम रोपिए, कटहल रोपिए, या तो मैंने गोभी का खेती कीजिए। तो पूरा वैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा हम लोग गोला मार्केट भी हो गया ये 10 साल के पहले से, कुछ पहले से, और आगे तो मार्केटें नहीं था, बाजार बाजार में हम लोग बिक्री करते। यहाँ के किसान जीतलाल टुड्डू बताते हैं कि पहले यहाँ के ज्यादातर किसान नशा किया करते थे, दारू हड़िया पिया करते थे, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते थे। परंतु धीरे धीरे वे जागरूक हुए और आज वे नशा त्याग कर अपना समय खेती में व्यतीत करते हैं। उस समय पढ़ाई नाम का चीज नहीं, और घर पे खासकर गांव में 95% लोग नशा करते थे, दारू हड़िया पी करके, और बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई से गाँव के लोगों को मतलब नहीं था। कोई गोरखी जा रहा था, कोई मतलब चरगाह में अपना बच्चा को दे देता था कि जब मेरा बच्चा 1 साल के लिए 10 काठ धान मिलेगा। इस प्रकार लोग बच्चा लोग को पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं देता था। जब हम लोग का कुछ होशास हुआ 98 में हम बोर्ड लिखे, उसके बाद हम लोग सोचे गांव के लिए कुछ करेंगे, समिति बनाए, फुटबॉल खेल से भी हम लोग काफ़ी लोगों को जागरूक का काम किए, लड़का लोग का कमेटी बने, उसका अध्यक्ष बने हम, और नशा में भी हम लोग सोचे कि नशा को त्याग करना है। उसमें हम लोग तो बहुत लोग तो मीट मछली भी हम लोग यहाँ नहीं खाते, दारू भी लोग बहुत छोड़ दिया है, 90% लोग दारू नहीं पीते इस गाँव पर। उसके बाद खेती करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोग झाटी गोरहन करना है, बचाना कैसे है, तो सबसे पहले चरागाह को बंद किए, नौजवानों को कमेटी बनाए, गांव-गांव में सबको बोले कि भाई लिखो, और जो आज से बैल छोड़ेगा उसको 300 रुपये दंड लिया जाएगा। इस प्रकार हम लोग खेती में बढ़वा दिए। यहाँ एक सबसे अहम बात थी, यहाँ के किसानों को खेती का तकनीकी ज्ञान नहीं था, इस दिशा में वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई। वे समय समय पर इस गांव में आकर किसानों को खेती की नई तकनीक समझाते हैं, किसान भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलकर लाभान्वित हो रहे हैं। जब भी हम लोग सब्जी का खेती करें, और इस गांव के लोग जो भी सब्जी का खेती कर रहे हैं पिछले साल से, उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर वो फूलों की खेती उसमें मिक्स कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। कौन सी फूलों की खेती, सब्जी चाहे आप लोग टमाटर लगाएं, चाहे बैंगन लगाएं, चाहे मिर्चा लगाएं, चाहे लत्तरदार सब्जी लगाएं, 2-3 फसल उनके साथ हम लोग हमेशा लगाएं। नंबर 1, आसपास में मकई हम लोग जरूर लगाएं, आसपास में मकई जरूर हम लोग लगाएं। वैज्ञानिक न सिर्फ उन्हें खेती के तकनीक की जानकारी देते हैं, बल्कि कीट के उपचार के तरीके भी बताते हैं, उन्हें दवाओं के प्रयोग के बारे में बताते हैं, इसके साथ साथ खेती में क्या सावधानियां बरतनी है उसकी भी चर्चा करते हैं। जगदीश मांझी जी ने पूछा है कि जो हम लोग बीज उपचार करते हैं सब्जियों का, बीजों का, वो दवा कहाँ से मिलेगा? तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि दवा बाजार में उपलब्ध है, हमको जानकारी नहीं है। किसी भी दवा की दुकान पर, किसी भी जो हमारे बीज की
दुकान है, कीटनाशक की दुकान है, उस पर ये दवा बहुत आसानी से उपलब्ध है। हमको सिर्फ ये बताना है कि हमको कार्बेंडाजिम नामक दवा आप दे दीजिए, जो फंजीसाइड है, जो बीज उपचार के लिए हमारी उपयोगी में आती है। इस तरह से यहाँ के किसानों ने सब्जी की खेती कर धीरे धीरे अपने आप को अंधकार से निकाला है। इन्होंने खेती के माध्यम से न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि अपनी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को भी नई दिशा दी है। इन्होंने खेती के माध्यम से अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, खास करके महिलाओं को, क्योंकि जो महिलाएं सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा, महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हमको जाने से पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, साथ ही औसतन 81 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जो किसान टार खेत में मक्का की बुआई कर चुके हैं और अंकुरण खेत में समान रूप से नहीं हो पाया है, तो खाली जगहों पर फिर से बीज बोए। बरसात के दिनों में किसी भी फसल में दवा का छिड़काव साफ मौसम को देखते हुए करें। दवा के घोल में सेंडोवीट या ट्रिपोल 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर घोल की दर से जरूर मिलाएं। किसान भाइयों, अब हम IMD पुणे से भी लौटकर आ गए, जहां आपको मौसम से संबंधित ढेरों जानकारियां मिली। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने के पहले हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।